अस्सलाम वालेकुम, पेट्रियन एक्सक्लूसिव क्लब में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, हमारी पूरी टीम इसके यहां पर है ही है, लेकिन आज का स्पेशल एपिसोड है क्योंकि हमें हमारे बहुत सारे पेट्रियन्स ने आज ज्वाइन किया है। इस वक्त हम लाइव सेशन कर रहे हैं, उनके साथ बात करेंगे। जितने लोग मौजूद हैं मैं एक दफ़ा उन सब के नाम ले लेती हूँ, हम बारी बारी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं जी मलेशिया से मेहर रज़ी, पाकिस्तान से फहद नदीम, फिनलैंड से बहजाद, लंदन से नदीम अब्बास, अगर मैं किसी का नाम गलत लेती हूँ तो जब आपकी बारी आएगी हम आपसे पूछ भी सकते हैं। बर्मिंगम से हैं जी अब्दुल रहमान, दुबई से असद चौधरी, लंदन से एक बार फिर आदिल एजाज, कनाडा से बाकिर खान, ऑस्ट्रेलिया से बहादुर खान, यूके मोहम्मद सरफराज, यूएई इमरान मंजूर, स्विट्ज़रलैंड से उमर फारूक भट्टी, और यूएसए से रिजवान चौधरी। तो ये तमाम पेट्रियंस, हमारे तमाम पेट्रियंस इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम आप सबसे बारी बारी बात करते हैं, जितनी देर किसी एक को मुखातिब करके उनसे बात हो रही होगी तो आप बाकी के लोग ये कर सकते हैं कि उतनी देर या तो अपना माइक म्यूट कर लें सो दैट बहुत ज़्यादा आवाज़ की इशूज़ ना हों। चलिए सबसे पहले मलेशिया से मेहर रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, तो मैं ये बस मैं कसौटी में हिस्सा लेना चाहता हूँ। एक पर्सनालिटी है जो मैं वेट कर रहा था कि कोई पूछ ले, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं पूछी, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी तरह उस कसौटी का हिस्सा बनूं और उस पर्सनालिटी के साथ आऊं। ईद के फौरन बाद रज़ी साहब, इनका नाम? हाँ जी रज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आफ्ताब इकबाल। आपका चैलेंज सर आंखों पर, ईद के फौरन बाद हम कसौटी रिज्यूम करेंगे, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट यू बी आर गेस्ट ऑन द वेरी फर्स्ट शूटिंग ऑफ कसौटी। लेकिन अगर बहुत बेसब्री का शिकार हैं आप तो अभी पूछ लें, हो सकता है। क्योंकि हम आपसे ज्यादा बेसब्रे हो जाते हैं। अमेरिका में एक दफा हो चुका है रज़ी साहब, मेरे एक बड़े अजीज दोस्त जो इस वक्त देख भी रहे होंगे, हमारे वो पेट्रन भी हैं, इज अमंगस्ट द क्लब मेंबर्स, तो वो हमारे होस्ट थे बाल्टीमोर में, तो हमें लेके इधर उधर गए। इमरान साहब, इमरान अवान साहब, इंतहाई नफीस हैं, जैसे अवान्स मोस्टली होते हैं बड़े वजादार, कि यार अब मेरा मेहमान है आफ्ताब, लेकिन मैंने एक पर्सनालिटी पूछनी थी। आखिर चलते चलते सड़क के किनारे मैंने एक बार के सामने कुर्सियां दी, मैं वहां पे बैठ गया, मैं क्या जनाब आप पूछना शुरू करें। तो वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कसौटी दैट नाइट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ये इमरान को भी हमेशा याद रहेगा। सो रज़ी, व्हाट वी कैन डू इज, जैसे आफ्ताब साहब ने कहा, अगर आप राइट नाउ चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि अदरवाइज हमारी टीम के पास आप, हमारी टीम जी जी ठीक है, बिल्कुल टीम के पास आपका कांटेक्ट आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को हम करेंगे, तो फिर आपके साथ टाइम टाई अप करके आपको लाइव अपने शो मिलेंगे और फिर वहां करेंगे आपके साथ जी। नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ पाकिस्तान से फहद नदीम साहब। जी फहद साहब, वेयर आर यू फ्रॉम? पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान में शहर हैं काफी सारे शहर, किस शहर से भैया? वाकेंट से, तक्षला। वाह जी वाह, बड़ी द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। जी जी, आपसे सुना था मैंने, और यू डोंट हैव टू से दिस इज आफ्ताब इकबाल, वी ऑल नो दैट। और क्या हाल है फहद साहब, आप क्या करते हैं, क्या आपके मशागिल हैं? मैं फ्रीलांसर हूं और पाकिस्तान से ही काम करता हूं, और आपको जब मैं पैदा हुआ था उससे थोड़े अरसे बाद देख रहा हूं, खबरनाक के दिनों से यानी खेले ही से देखना शुरू कर पाजी, तीन चार साल बंदे नु होश नहीं आंदी। हेलो, आपकी उम्र में कोको मेलन देखते हैं आप, हमें देखते हैं नहीं, कुछ किस्मत ही उन्होंने। खबरनाक आज भी देखता हूं, वो आपने जब द ग्रेट अमानुल्लाह की डेथ पे कहा था कि ये जो वो बात है ना, अगले 100 साल वो कॉमेडी चल सकती, और मैं आज मैं देख रहा था कि वो जो वीडियोस है ना 2012 वाली, वो 10 साल पुरानी होगी, आज 11 साल पुरानी होगी, लेकिन फ्रेश लगती है, फ्रेश लगती है आपको? मैं वो 1-2 घंटे की वीडियो है जी, वो जी। मैं जब मेरा मूड ऑफ होता है ना मैं देखता हूँ, वो 2 घंटे की वीडियो है, और वो हर दफा उतनी अच्छी होती है। एक दफा भी वो उसका मजा कम नहीं हुआ। क्या बात, अच्छी कॉमेडी जो है ना, अच्छी कॉमेडी अच्छे गाने की तरह होती है, गाना आप बार बार सुनते रहे, 500 साल भी सुनते रहे, वो पुराना नहीं होता। पुराने गाने भी मैंने आप ही से इंट्रोड्यूस हुए थे, ये बहुत पुराना
बाबर भाई इनका कमाल है सारा कि इन्होंने इनको मैंने एक दफा इंस्टाग्राम पे इतना लंबा मैसेज किया था कि वो इन्होंने गाना गाया था कि मैं नहीं जाना खेड़ियां देना खेड़ियां देना खान बदराना। तो इनको मैंने कहा उसको इतनी बार मैं सुन चुका हूँ ना मैं कि अब मैंने वो हिसाब लगा लिया कि वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सुना हुआ गाना। जब भी आप पाकिस्तान तशरीफ लाए जो पाकिस्तानी है खास तौर पे जो नॉन पाकिस्तानीज भी हैं क्योंकि सारा डायस्पोरा जो है ना इवन पंजाब का ईस्टर्न पंजाब जब भी आप यहाँ पे आएँ इवन इंडियंस जो हैं पंजाब से जहाँ से मर्जी आएँ अपना उत्तर प्रदेश वगैरह से भी तो हमारे शो में शरीक हों और कसौटी में तो ज़रूर शिरकत करें हमें चैलेंज भी करें और इसी बहाने हमारे साथ आपकी मुलाकात होगी। फिनलैंड से हमारे साथ मौजूद हैं बेजाद। Happy and cold place. But right now we take it as a happy place. Yes. जी बेजाद साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो सर बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, ये है कि जिंदगी में पहला मौका है कि मैं किसी सेलिब्रिटी से या टीवी पे जैसे बात करते हैं। बेसिकली तो पंजाबी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तुसी पंजाबी बोलो जी। पंजाबी बोलो सरदारियां ने। एक दो सवाल है कि एक तो पहला सवाल ये था कि नासिर भाई जो है नासिर चिनोटी साहब वो नहीं नजर आ रहे, वो क्या छोड़ गया? नहीं वो तो छोड़ चुके हैं, अरसा दराज हो गया है, वो तो बहुत अरसा हुआ छोड़ गए एंड ही हैज गॉन फॉर गुड। दूसरा वो जो आपके एक नए अदाकार हैं उनका मुझे नाम नहीं पता, वो जरा हेल्दी से जो हैं तो वो अक्सर जब पाशा मैं और मैं वाइफ जब दोनों हम देखते हैं प्रोग्राम जी पाशा साहब तो वो अक्सर यानी जब कैमरा उन पे आता है तो अक्सर ये दुराने जो आपका ये मेल बॉक्स है वो अक्सर सोए हुए पाए जाते हैं। नहीं जी ये ऑकवर्ड लगता है। वो मेल बॉक्स में ही नहीं है, वो खबर हार में भी सो रहे होते हैं और ये उनका डिफॉल्ट पोस्चर है। वो साला ऐसे सोना होता उनकी वैसे भी साउंड बेस पे भर्ती की था, उनकी पैदाइश ही इसी पोस्चर में हुई थी और वो ऐसे ही रहे। और जो सुता वो पैदा होया वो भी सुता सी। अच्छा इथे सोंदा घर जांदे ही उठ के बैठ जांदा है, घर जाके काम करते हैं वो। ऐसे टाइम बाहर बिल्कुल फ्रेश फिर रहे उन्होंने सिर्फ लाइटा च ले आना उन्हें सो जाना। वो लाइट जो ही लाइटें ऑन होती हैं स्टूडियो की तो उनके लिए ये बस नींद की जो है ना लोरी का काम करती है। अच्छा बेजाद साहब इनका हाँ जी बेजाद साहब सर कोई और क्वेश्चन था आपका? अब पंजाबी च कहंदे ना भी हुण ते अखीर हो गई है इत्थे सियासत दी ते बस अखीर ही झगड़ा जेड़ा बस अखीर ही समझो अखीर ही समझो इट इज नाउ और नेवर। देखो बेजाद साहब हर चीज ने जाना अंजाम वाले ही हुंदा है, दिस वे और द अदर। ए अच्छा है ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। आओ जी नेक्स्ट। थैंक यू सर बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम सर, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम असी है फॉर्मेट भी कुछ चेंज करांगे, कोई जड़न थोड़ी सहूलत हो जाएगी। लंदन से हमारे साथ मौजूद है अंजुम निसार साहब। अंजुम निसार हमारे एक दोस्त हुआ करते थे अंजुम निसार शाह। तो जी अंजुम साहब प्लीज गुफ्तगू कीजिए सवाल जवाब। जी मैंने बेसिकली तो यही पूछना था कि आजकल जो पाकिस्तान की सियासत का हाल हो रहा है इसका एंड कहां पे जाके होगा? अभी तो वो बिल्कुल यानी पीडीएम अंजुम भाई जरा ऊंचा बोलिए पीडीएम अभी तो एकदम से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो गई है। जी जी तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसका आखिर में एंड क्या होगा? वो अभी बहजाद साहब भी यही कह रहे थे तो इसकी इसका एंड जो है उस वो तो कोई नजूमी बता सकता है कि इसका एंड क्या होगा, लेकिन अगर तो ये तसादुम होता है तो इसका एंड मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दुआ ये करें कि तसादुम से पहले ही विजडम प्रिवेल कर जाए हर तरफ, वरना ये काम पहले ख़राब है मज़ीद ख़राब हो जाएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। यू आर मोस्ट वेलकम ब्रदर, मोस्ट वेलकम। अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है, जीते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बल्कि आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो हमें पेट्रोनाइज करते हैं। तो ये नेक्स्ट कौन है जी? हमारे नेक्स्ट पेट्रन नदीम अब्बास साहब हैं जी, लंदन से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आफताब साहब नदीम बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम नदीम अब्बास साहब फ्रॉम लंदन। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली, पाकिस्तान में आपने OMC स्टार्ट किया था। जी जी। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ फ्रॉम लंदन। वी स्टार्टेड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग ऑन डिमांड बिजनेस, हमने स्टार्ट किया लंदन में, यानी कि ऊबर ऑफ लॉन्ड्री। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ हम 7 कंट्रीज में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एम्स्टरडम में, डबलिन में, कुवैत, बहरीन, दुबई और पाकिस्तान में भी रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किए सर्विसेज। और 3-4 ब्रांचेस हमने खोली हैं, DHA जोहर टाउन में और बहरिया टाउन में, और हम ऑन डिमांड सर्विस करते हैं। सो इट्स वर्क एग्जैक्टली लाइक ऊबर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि लास्ट 6 मंथ्स में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में लॉन्च के बाद, आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग। आपकी क्या सजेशन है पाकिस्तान में? वी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया इन द यूरोप, इन द UK, ऑल्सो इन द गूगल एडवर्टाइजमेंट, लेकिन पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करते हुए, व्हाट डू यू सजेस्ट इज द बेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल? इज इट इन्फ्लुएंसर्स? इज इट TVCs? मेरा देखिए जी, TVC तो बहुत महंगा है, TVC बहुत महंगा है, प्रेस एड्स बहुत महंगे हैं। आपके बिजनेस की नौयत ही ऐसी नहीं है। यू डू नॉट नीड टू बिल्ड योर ब्रांड, यू नीड टू रीच द पीपल फर्स्ट, यू नीड टू जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो द बेस्ट वाया मीडिया इज पीपल हु सपोर्ट यू इन द मीडिया, पीपल हु गिव यू एंडोर्समेंट्स। ओके, सो वी ऑफर आवर प्लेटफॉर्म टू यू, so long as you are good people, you are impressive. If I am impressed with you, inshallah taala I will put in a very good word for you, and that will suffice to so many other things also. You will appreciate that, and that won't cost you anything. Definitely sir, aapne recently ek Indian accountant ko laundry ke liye show kiya. I used to work for JP Morgan myself, I resigned myself. Acha acha. We are a very good company. Pakistan some employment provide kare, our CX offices in Pakistan, we provide 7 country services. So I will impress you inshallah. Inshallah taala, I am very sure you are a young entrepreneur. I have a lot of hopes from you people, and we are very soon inshallah taala very seriously contemplating opening up OMC in London. In case we do, Muzaffar saab is the focal person, he will contact you there. बिल्कुल सामने। मेरा सवाल ये आपसे, इमरान खान साहब जब इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं ना, तो उनका इंटरेक्शन मतलब वो अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते। लाइक फ्यू डेज अगो आई वाज वाचिंग हिज इंटरव्यू विद आई थिंक जर्मन जर्नलिस्ट। सो उन्होंने पूछा कि लाइक मतलब मीडिया की आज़ादी के हवाले से, उन्होंने पूछा कि अभी मतलब आपके दौर में तो आज़ादी इससे बदतर थी, अभी कम मतलब मीडिया पे इतना प्रेशर नहीं है जितना आपके दौर में था। तो इमरान खान साहब वो ऐसे मतलब ड्रैग करके बहुत लंबा आंसर करते हैं कि किसी की कोई समझ में नहीं आता। इवन वो उसने जो जर्नलिस्ट थी उसने आधा सुना और आगे से दूसरा सवाल दा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। इमरान खान नीड उन्होंने जी, उन्होंने अरशद शरीफ की एग्जांपल देते बाकी लोगों की, वो नहीं किया मतलब सिंपल वो ड्रैग करते गए। तो मतलब और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा ऐसे है ना कि वो ब्रांड है पूरी दुनिया का, तो वो मीडिया इंटरनेशनल मीडिया के सामने ऐसे होते हैं जैसे कि लाइक बहुत उनका मतलब मशहूर हैं कि उन्होंने ले लिया, जबकि ये मीडिया उनके पीछे आना चाहिए जिस तरह मतलब उनकी ब्रांडिंग सही नहीं हो रही या पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, आपको महसूस ये हुआ है तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने ऐसा नहीं है। एक बात से मैं एग्री करता हूं, इमरान खान नीड्स अ लॉट ऑफ आर्टिकुलेशन, ही वॉज नेवर अ वेरी गुड ऑरेटर।
ठीक है, ही इज इम्प्रूविंग हिज ऑरेटरी, ही इज इम्प्रूविंग हिज आर्टिकुलेशन ऑल्सो, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, एंड ही इज वेरी गुड एट ड्रैगिंग. तो अल्लाह ने चाहा वो ऐसे, तो वो इसको भी इम्प्रूव करेंगे, इसको सीखेंगे. और एक साल हुआ यकीन कीजिए उनकी इंक्यूबेशन में. उस बंदे की इंक्यूबेशन एक साल की है, फ्रॉम अप्रैल टू अप्रैल. उससे पहले का इमरान मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता. और उस इमरान को तो बात भी नहीं करनी आती थी. ये तो बहुत इंप्रूव कर गया है, बहुत इंप्रूव कर गया है. उसके अंदर एक दो खूबियां इतनी बड़ी हैं कि वो बाकी सारी चीजों को एक्लिप्स कर देती हैं. हाउएवर, आपकी बात में बड़ा वजन है कि वो एक ब्रांड है और लोग उससे यही नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप न्याजमंदी शो करें. आप अथॉरिटेटिव अंदाज में, क्रिस्पी अंदाज में, टू द पॉइंट अंदाज में वहां पे हिट करें जिसको बुलजाई कहते हैं. तो इमरान लैक्स अ फ्यू थिंग्स इन दिस, इंशाल्लाह इंप्रूव करेगा. ही नीड्स अ फ्यू चनकिया कुतलियाज, ही नीड्स अ फ्यू मैकियावेलीज, ही इज टू जेंटल फॉर ऑल दिस. वो बहुत शरीफ आदमी है. ये जो काम है ना, इसको सच्ची पूछ, मैं आपको सच बता रहा हूं, पाकिस्तान में सियासत करना, नियाबत करना, हुकूमत करना कम ही कुत्ता है. बहुत अच्छा लगता है, अंग्रेजों के कमरे में स्टे किया. सर जी, मेरा एक और क्वेश्चन है पंजाबी करना है कि तुहाडी यूनिवर्सिटी च जड़े फारग तहसील होने सारे कमेडियंस, उन्होंने कसमें पुरसी तुसा तरस नहीं आना? बेचारे क्लास इस तरह बैठे होंगे ने, जिस तरह छोटा जा चिड़ी दे आलने च डिगया बोट हुंदा है ना, मैं इस तरह करके बैठा हुंदा बेचारा. ते है अच्छा है, इन्हां नाल यही होनी चाहिए. सारी उम्र इन्होंने अवारागर्दी की, कॉलेजां स्कूलां च नहीं गए. चंगा है, इन दिस इज कारमा. इन्होंने मां प्यो जिन्ना तंग किया ना, अल्लाह ने मेरी शक्ल च इन्हों मां प्यो भी दिता, तो उस्ताद भी दिता. कसमा पुरसी ते तरस नहीं आंदा, इसलिए कि उन्हां लई मैनूं समझ नहीं आई सी इह सवाल, ते इंतहाई खूबसूरत है. उन्हां दी कसमा पुरसी ते इसलिए तरस नहीं आंदा, भाई जान सुनो, जरा गल सुन लेना, कि मैनूं तरस जरूर आंदा है ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਆਸਕ ਫਾਰ ਇਟ ਇਤੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਾਓ ਜਮ ਜਮ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ एक दो थोड़ा सा जो है बल्कि कल परसों एक साहब ने तो बड़ी आहोजारी भी कर रखी है तो करते रहते हैं लोग इस तरह हमें बहरहाल तरस खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूं मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि मुझे तरस उन पे आता है मैंने ये इजराए तफन्नुन नहीं कहा मेरे साथियों को याद है मैं एक दोस्त को अपनी एक शरारती सी मिसाल दिया करता था जब वो यहाँ पे था तो हमारे गाँव में हमारे देहात में एक बड़ा अजीब सा एक फिक्रा बोला जाता है किसी इंतहाई नालायक लड़की के लिए जो बहुत नालायक होती है उसके बारे में उसके घर वाले कहते हैं कि जो तुम्हें लेंगे ना तुम्हें अडॉप्ट करके यानी ब्याह के लेके जाएंगे तो बहुत दुखी होंगे वो मेरी अपनी लैंग्वेज में खास अंदाज में कहते हैं तो मैं एक दो अहबाब को ये बात कहा करता था तो वक्त ने साबित किया कि मैं ठीक कहता था क्यों जी लिसन तो वही एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है जी नेक्स्ट पे आ जाइए थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान साहब फ्रॉम बर्मिंघम थैंक यू वेरी मच फॉर सच वंडरफुल क्वेश्चंस इट वाज गुड टू हैव यू सो नेक्स्ट हमारे पेट्रन दुबई से हैं हमारे साथ असद चौधरी साहब चौर साहब मुझे मिले क्यों नहीं मैं अस्सलाम वालेकुम चौर साहब मैं कल परसों तक उठे सा तुसी मन मिले ही नहीं हां सची गल ते दूसरे नंबर ते सर असीं बहुत ज्यादा तुहाडे फैन आ बड़ी इत्थे स्ट्रेस और बिजनेस दे विच शो वेख के ते दिल नूं सुकून हो जांदा
नहीं तुहानू पता नहीं चलिया मैं दुबई सा तीन चार रात दिन मैं सहरिया और अफतारियां उत्थे बड़िया लंबिया चौड़िया एक्चुअली सर जी मैं दो तीन दिन तो गया सी जड़ा ना बोसना गया सी ते मैं वापस ओ ओ तदेव क्योंकि मैं ते लगदा पूरे दुबई नु पता लग गया सी मैं उत्थे गा मैं सर यस्टरडे आया हां बोसना तो अच्छा अच्छा दूसरे नंबर ते सर बहुत अच्छा शो है तुहाडा बहुत है तुसी जो कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और तीसरा मेरा क्वेश्चन हां साहब दे बारे और गुस्से वाला जी हुकम करो पूछिए क्वेश्चन ए वे के जिवें हुन तुसी माशाल्लाह इनियां मसालां देंदे हो के वट्टू साहब नु ही तुसी मशवरे देंदे रहे हो ठीक है ते हां साहब नु ही कोई ऐसे मशवरे दियो कि अल्लाह करे अगों जे इन्हां नु कदी मौका मिल ही जाए ते ए इस तरह का काम करन कि आ जिहड़े परवेज लाई अरगे ते आ दूसरे तीसरे ब्लैकमेल करदे ने ते इन्हां नु ते कम अज कम इहो जिहियां चीजां ते ते हां साहब दे हत्थ दे विच कुछ होना चाहीदा ते ओन दूसरे नंबर ते भी दसो कि अल्लाह करे किस पासे जाएगा सी ते फैमिलियां भी अपनियां इत्थे पक्कियां ही लैंदियां ने कि जो हालात चल रहे ने ते इस तों बेहतर है कि तौबा ही कर दिओ ते कोई इस दे बारे दसो जरा दो चीजा ने जी एक ते के मैं वट्टू साहब नू भी मशवरे देंदा सा मैं परवेज इलाही नू बतौर स्पीकर भी बतौर चीफ मिनिस्टर भी मशवरे देंदा सा ए लोग और बीबी नू भी मशवरे देंदा सा किसे हद तक और ये लोग मशवरे मन भी लेंदे सन कदे कदार वट्टू साहब तो तकरीबन सारे मशवरे मनदे सन लेकिन इमरान खान मशवरे बहुत ज्यादा लैन दे बावजूद मशवरे मनदे नहीं ने इमरान खान दा ए बड़ा मसला है हुन आके मेरे 90-95% मशवरे मान लेंदे ने लेकिन वो जेड़े 5% 10% नहीं मानते ना असल मशवरे वो ने असल मशवरे ते वो अड़े हुए ने अगर वो मशवरे मान लेंदे ते वो बस पता नहीं बहादुरी दे मेडल दे चक्कर च लेकिन हो सकता वो ठीक होन मेरी नाकस अकल जेड़ी है उस तक ना पहुंचती होवे ते गल तुहाडी ठीक है मैं अज भी उस ते कायम हां चौधरी गुलाम हुसैन मेरा साथ देंदे ने बल्कि असी सारे मिलके एक दूसरे का साथ देने हैं साढ़े विचो सीनियर मोस्ट जड़े ने हारून रशीद साहब है वो भी हमेशा ही मशवरा देंदे ने कि बहुत डराई का नहीं हों दूसरों कि होर तू डराना है इन्ना दहशत की अलामत नहीं बनना चाहिए तो खान साहब न पता नहीं कोई होर रूट नज़र नहीं आता समझते हैं कि उन्होंने सर्वाइवल ही इस कि लोग उन्होंने तो डरते रह उन्होंने हरीफ उन्होंने तो डरते रहन तो ऐसा होना नहीं चाहिए एक रस्ता हमेशा खुला रखना चाहिए जिसतों दूसरा रिट्रीट कर जाए आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट योर माइक स्पेशली जो साहब बाहर घूम रहे हैं पार्क में काइंडली अपना माइक बंद करें आप प्लीज जी थैंक यू सो मच बाकर खान साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है तमाम पेट्रंस को मैं भी एक बार यही मैसेज देना चाहती हूं कि आप जितने लोग इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए क्योंकि उसकी वजह से डिस्ट्रप्शन भी आती है और आपका कैमरा बार बार सामने आ रहा है तो जिनसे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ वही अपना माइक ऑन रखिए जी सर कंटिन्यू कीजिए मैंने बस यही गुजारिश करनी थी भाईजान यही कहना था कि खान साहब जो है वो ऑन स्लॉट मतलब है कि खान साहब एक कदम पीछे आने के लिए तैयार नहीं होते खान साहब का ये इशू है कुछ थोड़ा सा वो हमेशा कहते हैं कि दूसरा दो कदम पीछे जाए तो मैं फिर एक कदम पीछे हटूंगा तो ऐसा होना नहीं चाहिए बाज़ोकात मसलहतन आप दो कदम पीछे चले जाएं दूसरे के पास मौका ना ही तो इस कश्मकश में हम रहते हैं वो इस पे कुछ ज्यादा यकीन नहीं रखते सुलह सफाई पर तो मैं बहरहाल तलकीन करता रहता हूँ कुछ उनके दोस्त जो हॉक्स होते हैं चले आप अपनी तरफ से ट्राई करते रहे अल्लाह करे उनके दिमाग में आ जाए और तीसरा सर ये है कि उन एस्टैब्लिशमेंट ने भी कोई बंदे दे पुत्रा बनना है या इना इंजी रहना है साडे नाल इंजी करना है ना नहीं ये गल तो तुसी एस्टैब्लिशमेंट को भी पूछो तो सानू भी दसना होगा की कहंदे ने नहीं नहीं तुहाडे कोल इस तो पूछना है ना कि तुसी डरदे नहीं ते असी भी नहीं डरदे भाजी तुसी ओथे बैठे हो असी इत्थे बैठे हां सुनिया नहीं कुछ सुन नेड़े के खुदा नेड़े थैंक यू सो मच चौधरी साहब थैंक यू ब्रदर थैंक यू वेरी मच लेट्स गो टू लेट्स गो टू लंदन मिस्टर आदिल इजाज हैं हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम ये वही हैं जो मेरे ख्याल वॉक इन द पार्क कर लेट्स सी आदिल इजाज साहब जी अस्सलाम वालेकुम आफताब साहब और आपकी सब टीम को अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम आदिल इजाज साहब हाउ आर यू जी कैसे हैं जी आप सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर
जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया फॉर अस टू इंटरेक्ट विद यू, और आई एम ग्रेटफुली ऑनर्ड टू बी हियर टॉकिंग। लाइकवाइज ब्रदर, लाइकवाइज, वी आर ऑल ऑनर्ड। जी जी, मैं मेनली आपको अप्रिशिएट एक चीज जरूर करना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है जितना डिप्रेशन हम पाकिस्तानी एज बीइंग इमरान खान सपोर्टर एक साल से गुजर रहे हैं, उसमें आपका जो पार्टिसिपेशन रही है, फर्स्ट थ्रू योर टीम, योर प्रोग्राम्स, बट देन द सपोर्ट यू शोन, आई थिंक ये एक सदका जारिया से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके जज्बे को सरशार रखे, क्योंकि हम लोग जब आप लोगों से कुछ पॉजिटिव सुनते हैं तो फिर ही हम कुछ पॉजिटिव सोच की तरफ जो है वो अपने जेन को लेके जाते हैं, अदरवाइज मीडिया और हालात देख के तो सर डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। जी आदिल भाई, हमें पॉजिटिव रहना है, हर सूरत हर हाल में पॉजिटिव रहना है, अल्लाह ताला से तवक्कुआत उम्मीदें हमेशा वाबस्ता रखनी चाहिए। बाकी ये है कि मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के जराइम अगर अल्लाह ने माफ़ कर दिए हैं तो फिर सुबह रोशन जो है उसकी दलील यही है कि हम लोग उठ खड़े हुए हैं, जाग गए हैं, और अगर हमें माफ़ी नहीं मिली तो समझिए ये नींद में से थोड़ा सा कुछ झटका सा लगा था, इमरान खान ने झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की, हम फिर महवे ख्वाब हो जाएंगे अगर हमें माफ़ी ना मिली तो। अल्लाह ना करे कि हमें माफ़ी ना मिले, क्राइन बता रहे हैं कि हमें अल्लाह माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो ऑपोजिशन है, आई थिंक दे आर ट्राइंग देयर हार्डेस्ट बहुत काफी अरसे से फॉर माइनस इमरान खान, सो गॉड फॉरबिड आई थिंक दे कुड गो टू एनी एक्सटेंट, ये सोच के खौफ भी आता है, लेकिन गॉड फॉरबिड इफ एनीथिंग एक्सट्रीमली स्टूपिड हैपेंस, आप कहाँ देखते हैं पीटीआई को, वेयर डज पीटीआई स्टैंड विदाउट। मैं आपको एक बात, मैं पीटीआई और नो पीटीआई, ये बात जो आप कर रहे हैं ना उससे बात पीटीआई से बहुत आगे चली जाएगी। मैं इमरान खान जो इस वक्त इस सोई हुई कौम का लीडर है, इसको जगा रहा है, मुझे तो लगता है बेचारा फर्दन फर्दन 22 करोड़ सबको जगाएगा। उसने एक बात की थी कि बाजवा साहब मुझे अगर तुमने निकाला ना तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। ही डिड नॉट एड्रेस बाजवा साहब, लेकिन दिस इज़ व्हाट ही मेंट एक्चुअली, कि मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। अल्लाह ना करे खाकम बदहन अगर इमरान को एलिमिनेट कर दिया गया तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। जी 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 जी, मैंने पहले थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा है आज आप लोगों के साथ ये इंटरेक्शन, आप तो शुक्रिया अदा कर ही रहे हैं, मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा भी करूंगा आपका भी, कि ये मेरी और मेरी टीम के लिए बड़ा खुशगवार एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट कुछ अर्से तक हमें इंटरनेट जरा तेज स्पीड वाला मिल जाएगा ईद के फौरन बाद, तो इंशाल्लाह ये मुलाकातें हम और ज्यादा सहूलत के साथ किया करेंगे। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। लंदन से मूव करें नेक्स्ट, हमारे पास हम कनाडा चलते हैं। लास्ट थिंग ऑन अ लाइटर नोट इफ यू अलाउ मी प्लीज। सर जी, साहब से एक लाइटर नोट पे पूछना था कि सर बप्पू राणा साहब आपके लाडले हैं, आप अक्सर कहते हैं, हनी भाई भी लाडले हैं, सखावत साहब भी लाडले, ये पुन्नू भाई लाडले की लिस्ट में कब आ रहे हैं, हम इन्हें बड़ा पसंद करते हैं। पुन्नू देखा जाए ना तो इन तीनों में से ये जितने चार, तीन चार आपने गिने, इनमें माकूल तरीन पुन्नू है, लेकिन मेरे साथ लाडला होने के लिए एक वक्त भी तो गुजारना होता है ना, इन्होंने तो पुन्नू साहब ने तो अभी उसका एक चौथाई नहीं गुजारा, बिल्कुल जो इन लोगों ने गुजार लिया मेरे साथ। लव यू सर, थैंक यू, इंशाल्लाह बड़ा प्यार करते हैं आफताब साहब, हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू आदिल इजाज साहब, थैंक यू आदिल इजाज भाई, थैंक यू। कनाडा से हमारे पास मौजूद हैं बाकिर खान साहब, बाकिर खान साहब फ्रॉम कनाडा। बाकिर खान साहब तो वही नहीं जो हमारे शो में भी आए थे, बाकिर साहब नहीं है, नहीं नहीं जनाब, यस यस यस, इज द सेम जी, क्या हाल है भाईजान आपका। मैं तो ये भी बता सकता हूँ आप बैठे कहाँ थे, आप मेरे 10 o'clock पे बैठे हुए थे, ये बात बहुत अच्छे। Exactly sir, exactly. और मेरे सामने कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको इनाम मिल गया था, इनाम आपको मिल गया था,
प्रवासी की तरफ से जनाब, बिल्कुल चलिए, गुड 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 जी, नाम मिल गया था जनाब। जनाब मैंने एक शुक्रिया अदा करना था आपका, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है और बहुत अच्छा लगा कि जाहिर है हर बंदा आपसे मिल नहीं सकता, ठीक है जी, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि हम आपसे बात कर सकते हैं, पूरी टीम से बात कर सकते हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जनाब अभी तक उस प्रोग्राम की जाते हैं हमारे साथ, बहुत मजा आया उस प्रोग्राम में, हमने बहुत इंजॉय किया लिटरली। और जब मैं वापस आया था लंदन तो हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा यार हमें तुम क्यों नहीं लेके गए, तो मैंने कहा यार मैंने आपको बताया हुआ था सब लोग टिकट लिए और पहुंचे वहां पे। तो आपकी फैमिली, आपकी फैमिली भी ठीक है, आपकी बच्चियां, आपकी बेगम साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह सर एवरीवन एंजॉय कर रहे हैं, हमारा स्प्रिंग शुरू हो गया समर, तो हमारे आजकल बड़े बिजी शेड्यूल चल रहे होते हैं, इफ्तारियां चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटा मेरा आजकल आया हुआ है इधर यूएस से, वो चूंकि जॉब करता है वहां पे, सो ही इज हियर इन लंदन नाउ, तो ईद के लिए हमारे पास आया हुआ है। उसको शनिवारी खिलाने लेके जाइएगा ना जरा एक दफा ओएमसी, पहले हमारे साथ गया था जी जब आप जी, जी, इन सब से मुलाकात हुई थी, इनकी बेटियों से, इनके साहबजादे से, और आपकी वाइफ डॉक्टर हैं, शी इज अ फिजिशियन जी, बिल्कुल जी बिल्कुल जी, तो बस मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था वंस अगेन, और मैंने आपको याद कराना था कि नेक्स्ट टाइम आपने मुझे कहा है कि आप जब भी आएंगे कनाडा तो आप लंदन हमारे मेहमान जरूर जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा होगा, अगर हम लंदन आए तो, कनाडा नहीं कहा था, लंदन आए तो आपके मेहमान होंगे। दूसरा ये बताइए कि मिल्टन कंपैरेटिवली करीब नहीं है आपके? जी 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 मिल्टन नजदीक सर, तो मिल्टन में नई ब्रांच खुल रही है ओएमसी जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम जब आपने कहा था तो आपने कहा था कि शायद हम लंदन में भी ब्रांच खोलें, लंदन नहीं मिल्टन है, मिल्टन के बाद हो सकता है ब्रैम्पटन भी, ये बस साथ साथ चलता रहता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मिल्टन में, मिल्टन में खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुलाकात होती है फिर आपसे बाकर खान साहब, इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू, गिव माई रिगार्ड टू योर फैमिली एंड ऑल फ्रेंड्स, आप कुछ कह रहे थे प्लीज कहिए। मैं जस्ट एक अपने वालिद साहब मरहूम की एक एक क्या कहते हैं कथा पेश करना चाहता हूँ आपको, जो कि मेरा ख्याल है आजकल के हमारे मुल्क के हालात को बड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप मुझे इजाजत दें। प्लीज गो अहेड सर। वो फरमाते थे कि हर एक शख्स उसी की दुहाई देता था, हर एक शख्स उसी की दुहाई देता था, बड़ा अजीब सा मंजर दिखाई देता था, वाह, महल के सामने एक शोर था कियामत का, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता था, क्या कहने। मेरी तरफ से तमाम टीम को सलाम, बबू साहब और बाकी पुन साहब से तो मुलाकात हुई थी वहां पे, बाकी भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सबसे मुलाकात होगी सर, सब लोगों को सलाम जी, और इंशाल्लाह होप टू सी यू सून अगेन इन कनाडा, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट थैंक यू जी, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ बहादुर खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये बहादुर खान ही होंगे, क्या कहना। नहीं मेरा नाम बहादुर खान जादरान है जी, माशाल्लाह, और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। किस शहर में है जी बहादुर साहब? ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वियना, वियना में हूं, ऑस्ट्रिया से, ठीक है जी। आर यू इन वियना? नहीं सर, मैं फिलकिर्क में हूँ, ये फोरार्लबर्ग जगह का नाम है। अच्छा जी, अच्छा, ओके, लेकिन ऑस्ट्रिया जी, मेरा ताल्लुक रहता है अफगानिस्तान से, पैदा मैं पाकिस्तान में हूँ, बर्थ प्लेस मेरी पाकिस्तान है। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। थैंक यू ब्रदर। लेकिन उस वक्त ज्यादा शौक से देखता हूँ जब परेशान होता हूँ और नींद नहीं आती, और फिर सोने के लिए आपका प्रोग्राम रिलैक्स होते हैं आप हमारा प्रोग्राम देख, शुक्र जी। वो दिल करता है ना, अकेले रहता हूँ बहुत अरसे से, तो वो दिल करता है कि शोर शराबा हो, लोग आपस में बातें करें, तो वो मैं सुनूं। तो खान साहब आप तो अकेले क्यों रह रहे हैं? बहुत अच्छा, छोटा सा बड़ाजा कर दिया करें आप अकेले, छोटा सा धमाका कर लिया आप अफगानी होके अकेले क्यों रह रहे? अकेले नहीं होते कमरे में, काजू बादाम। तो आपकी फैमिली पाकिस्तान में होती है कि अफगानिस्तान में? फैमिली अफगानिस्तान होती है या पाकिस्तान? पाकिस्तान में है फैमिली। अच्छा, पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान आए तो लाहौर का चक्कर जरूर लगाइएगा, वी वुड लव टू मीट यू सर। यही मैं कहना चाहता था, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपसे मुलाकात हो मेरी, और बबू राणा से, और पुनी भाई हर दफा मुझे नींद से उठा देते हैं, जब भी मैं सोने लगता हूँ मेरी आंख लगने लगती है मुझे। अच्छा भाई
चलें, बहुत शुक्रिया बहादुर खान साहब, और इंशाल्लाह आपसे गाए गाए यहाँ भी मुलाकात होती रहेगी इस फोरम पर भी, और पाकिस्तान तो जब भी आप आएंगे आपकी हमेशा थिंग्स टू डू में एक चीज ये भी होगी कि टीम खबर हाथ से मिलना। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। नेक्स्ट राज, यूके से हमारे साथ मोहम्मद सरफराज साहब मौजूद हैं। मोहम्मद जी, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सरफराज साहब, मैं आपका और आपकी टीम का बहुत फैन हूँ, आपके प्रोग्राम काफी अरसे से देख रहा हूँ, और मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता था कि हमारे यहाँ अडॉप्शन पे काम नहीं होता, जिस तरह मुश्ताक अहमद यूसुफी या दूसरे राइटर्स की किताबें उनके ऊपर काम नहीं होता, आपको कब लगता है कि हमारे यहाँ उस पर भी काम होगा? अब पता नहीं, इनफैक्ट तस्वीर आपकी आ रही है लेकिन बोल कोई और साहब रहे हैं, इस वक्त सिर्फ नाइकी वाली शर्ट जो है ना वो हमें नजर आ रही है, जो पीछे गोल्डन गेट ब्रिज है। जी सर बिल्कुल, ये मैंने पीछे से सेटिंग लगाई हुई है। अच्छा, नहीं तो फिर आपके बोलने का हमें क्यों वो नहीं, वो सिंक नहीं हो रहा, सिंक नहीं हो रहा आपके लिप सिंक। अच्छा जी, आपने अडेप्टेशन की बात की है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी की चीजें अडेप्ट करके, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी ने भैया कुछ ऐसा नहीं लिखा कि जिसे अडेप्ट करके कोई ड्रामा बनाया जाए, उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन, दो चार कैरेक्टर्स हैं बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स हैं उनके, मसलन पढ़िए जब बीमार जैसी चीजें हैं, या पितरस के मिर्जा की बाइसिकल है, कुत्ते हैं, हॉस्टल में पढ़ना है, ये सारी चीजें उस दौर का मुहावरा है जो अब तब्दील हो गया है। उस दौर का मिजाज जो है ना वो बड़ा ही शुस्ता, बहुत नफीस और बड़ा आलिमाना हुआ करता था, आजकल तो सिक्का राजुल वक्त ये लोग हैं, उनते जुगता ना 2020 हुंदा बाजी, ये क्रिकेट की तरह 2020 है। Just imagine Babu Bhai doing. दरिया च डिगन लगे हो। पुल नु हाथ पाओ। कह रहे हो पुल नु हाथ पाओ, तुसी थल्ले हो रहे हो। पाजी मेरा ख्याल जो तुसी बोल दे तिलकन लग पेंदे हो। बस की करिए। बहुत अच्छे, क्या बात है साहब। It was lovely. वैसे क्वेश्चन बड़ा शानदार था कि मुश्ताक यूसुफी, इसका मतलब है कि आप अगर मुश्ताक यूसुफी को पढ़ते हैं तो शफीक रहमान को भी पढ़ा होगा आपने। जी सर बिल्कुल, पतरस बुखारी को भी पढ़ा है और बचपन में कर्नल साहब को भी पढ़ा है। जी कर्नल साहब की पहली किताब तो लाजवाब है, उसके बाद फिर आपको पता है उनके साथ क्या हुआ, बड़ी शानदार किताब उन्होंने लिखी बज़्म अराइयां, तो लोगों ने कहा कि इसका नाम होना चाहिए बज़्म अराइयां। तो चले, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट हमारे पास यूएई से मौजूद है इमरान मंजूर साहब। वैसे वो स्मार्ट हैं, देखे नाइकी कितनी प्यारी उन्होंने, ऐसा टोर रहे हैं ना लेकिन पोल मुक नहीं रहा। इन्हें तो मसल पोल होना है। अच्छा जी, इमरान मंजूर साहब है हमारे साथ यूएई से। जी इमरान मंजूर साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी आफ्ताब साहब, इमरान मंजूर बात कर रहा हूँ, इस वक्त तो मैं शारजा में हूँ, शारजा में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक चीचा उतनी से है। अच्छा जी, मैं तो आपको हमसाया समझता हूँ अपना। जी जी, आप हैं हमसाए, मेरे भी हमसाए हैं। आप मेरे भी, शकील के भी हमसाए हैं। शकील इज फ्रॉम कमालिया, आई एम फ्रॉम ओकाड़ा। ओके ओके, तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है अभी आपसे बात करना, आपकी टीम से बात करना। तो चार पांच साल से तो जो है वो लगातार मैं आपका शो देख रहा हूँ, लेकिन अभी ये एक डेढ़ साल से तो अभी समझे इश्किया शो देख रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, बहुत अच्छा जी, क्योंकि अभी आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर खान साहब पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस पे बड़ा फखर है, मुझे बड़ा फखर है इस पे। तो बाकी सबके लिए बस दुआ और अस्सलाम वालेकुम सबके लिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह। आप हमारे लिए, आप हमारी टीम के लिए भी दुआ किया करें, बहरहाल हमारा बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में, आपको खुश करने में, पुरसुकून करने में, तो आप हमारे लिए दुआ जरूर किया करें। जब आप नमाज से फारिग हों, आप शक्ल से ही लग रहा है नेक आदमी है, तो आपकी दुआ जरूर लगेगी। बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इमरान मंजूर साहब। मोहम्मद सरफराज साहब से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना माइक, आप अपना सरफराज भाई आप अपना माइक बंद कर दें, बल्कि अपना माइक तोड़ दो। सरफराज साहब मेरे घर बदल ना होने ला, लंडन वाले भैन भी कह रहे थे कि पुल वाले भैन थे
ਫਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਣ ਪੁਲ ਚ ਫਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਫਸੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 53 ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿੜਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ 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 ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ That was lovely. ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਭ ਮਾਨੇਂਗੇ ਆਪ ਸਭ ਮਾਨੇਂਗੇ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ actually carried the day acha kitni der ho gayi aaye nahi mila na pol to kyunki humne khaas kaam karna hai ding pe oh lagta hai sir de bhar baak karde ne bas oh lagta hai oh lagta hai san francisco beach ding pe sarfaraz paaji main utthe hunda na main pehle tade pairan ki itta launiyan si मेरी एक और गुजारिश होगी कि सरफराज साहब भी ये नेक्स्ट सिटिंग में भी जरूर आए जरूर इसे तरह तिलकनी सीट पे ते ऐत की छाल मार के आन अच्छा वैसे चेक कर बल्कि वेज दरिया दे छाल मार दे अच्छा बल्कि अपने नाल सरफराज पुल रख लो एक बारी चेक कर लो है भी नहीं कि यारी पता लग गया जा दे ऊपर खड़ोते जा इन्हें ने इंजी तिलक तिलक पाकिस्तान आ गया जहाज वीजा नहीं चाहिए बगैर वीजे तो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਾਈ ਰੇਡ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਰੇਡ ਆਇਆ अच्छा जी नेक्स्ट स्विट्जरलैंड से वहाँ पे स्विस अकाउंट बड़े बड़ों के स्विस अकाउंट वहाँ पे अदब बात करो आप सरफराज साहब को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ स्विट्जरलैंड वाले की ज़ियारत कराओ ना जी जी उमर फारूक भट्टी साहब जी भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू मैं उमर निमरा अकाउंट चेक करो जाहिर है उमर आप ही होंगे वो तो नहीं होगा नहीं वो नाम बता रहे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उमर साहब किस शहर में हैं आप मैं एक्चुअली जिनेवा में हूँ पिछले 13 इयर्स से अच्छा वाइफ मेरी को 9 इयर्स हो गए हैं अच्छा मैं यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मैंने काम कर रहा हूँ उससे पहले यूएन में उससे पहले आईएलओ में तो मुझे यानी 13 इयर्स हो गए यहाँ पे उमर भाई एक छोटी सी गुजारिश मैं भी कर दूं जब भी लेक जनीवा के पास से गुजरे फाउंटेन के सामने जाकर कहिएगा माशाल्लाह हमारी तरफ से कहिएगा माशाल्लाह और जब भी स्विस बैंक्स के पास से गुजरे तो कहिएगा इंशाल्लाह लेके जावांगे इंशाल्लाह साढ़े पैसे पैने उत्थे साडियां रकमां उत्थे पईयां ने कोई मजाक ते नहीं है बल्कि उत्थे ते चौकीदार नूं कहना जागदा रहे साढ़े पैसे यार मैं भी इस ग्रुप में तुम लोगों की तरह बोलना शुरू हो गया वो किधर गया वो मेरा वो पोस्चर मेरा वो अंदाज अभी भट्टी साहब सवाल करते हैं तो जी भट्टी साहब प्लीज गो अहेड मैं एक्चुअली वही आपको बता रहा था कि मेरा जो ऑफिस है वो भी लेक जिनेवा पे ही है यानी कि एक साइड उसकी यानी कि आप एग्जिट करें तो सामने लेक शुरू हो जाती है फाउंटेन सारा अच्छा, जिसे आप कह रहे हैं तो आजकल तो वैसे भी स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो खूबसूरती तो जबरदस्त इंतहा की होगी तो मैंने एक्चुअली काफी अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कसौटी में पार्टिसिपेशन की मैंने एक रिमाइंडर लगाया हुआ था कि आपको डेली एक ईमेल भेजनी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिप्लाई नहीं आता आगे से कोई एक्नॉलेजमेंट का कि वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल वी विल यू नो इस तरह का तो ऐसा लगता है ऐसे ईमेल यानी करके आप मतलब नहीं इस पे हमारी ये तसाहल मेरी टीम की तरफ से है मैं माफी मांगता हूं क्योंकि ये रहेगा अभी कुछ देर थोड़ा सा सिस्टम सेट हो लेने दे मेरी टीम के हालात भी वही हैं जो पाकिस्तानी मईशत के हैं और पहले ऐसे नहीं होते थे आजकल कर दिए गए हैं हम साया शमशीर में जिंदा हैं आपको पता है हम शो भी उसी अंदाज में कर रहे हैं लंगड़े लूले होके कर रहे हैं हमारी मईशत के ऊपर भी पैर रखा गया है आप सब जानते हैं लेकिन थोड़ा सा हमें सेटल हो लेने दें हमें एक दफा टेक ऑफ कर जाने दें फिर से हम अच्छा खासा चल रहे थे हमें ग्राउंड कर दिया गया
इस वक्त हम तेज भाग रहे हैं, बस टेक ऑफ करने की जरूरत है। हम कर गए तो इनफ पर्सनल होगा। हमारे हालात वही हैं जो कोरोना के दिनों में लोगों ने डाउनसाइजिंग की थी ना जी, तो एयरलाइंस वालों ने जहां 30 बंदे होते थे 3 बंदे रख लिए, तो काउंटर्स पर जो रश नजर आता है आपको, जो बैकलॉग नजर आता है, उसकी वजह सिर्फ ये है। थिंग्स विल इंप्रूव इंशाल्लाह। तो आपके साथ हम नेक्स्ट वीक प्रोबेबली मुलाकात करेंगे अपने कसौटी में और वहां पर आपको लाइव लेंगे। हम कसौटी में आपको लाइव लेंगे। उमर भाई आप अपनी तैयारी पूरी रखें और बेगम साहबा को भी बात करने देना। मुझे डर है कि मेरी पर्सनालिटी कोई और ना पूछ ले, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बारी आ जाए जल्दी जल्दी। आ जाएगी, आ जाएगी, डोंट यू वरी। आपका नाम हमारी टीम ने नोट कर लिया है। और जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम निम्रा है। जी निम्रा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपका शो डेली देखती हूँ। आप जीती रहिए, जीती रहिए, खुश रहिए, पूरी फैमिली अल्लाह करे खुशो खुर्रम रहे हमेशा के लिए। आमीन आमीन। और मेरी एक आपसे है कि आप कनाडा जाते हैं आप इधर उधर, लेकिन आप स्विट्जरलैंड क्यों नहीं टीम को लेके आते हैं? आप हमारे पास इधर हमारे पैसे जिस दिन हमारे पैसे जिस दिन स्विस बैंक्स ने वापस कर दिए हम इंशाल्लाह सलूट करने आएंगे। सलूट करने इधर मतलब ऐसी कभी नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारे मुंह में खाक यार, ये मलूसी वाली बातें प्लीज, खुदा का नाम यार, पेट्रोल चल रहा है। पेट्रोल नहीं, हम जरूर आएंगे। स्विट्जरलैंड भी ऐसा ही है, मतलब सेंट्रल यूरोप जो है वो तो ऐसा है कि हम पूरे का पूरा यूरोप जो है, मेरी ख्वाहिश है अपनी टीम के साथ। वैसे बाय द वे वी आर ट्रेवलिंग टू यूके सून इंशाल्लाह विद माय होल टीम, एंड जुलाई हमारा प्लान है। तो हम तो जाएंगे सिर्फ 10-15-12 दिन के लिए, लेकिन अगर अल्लाह ने मौका दिया, कहीं फुर्सत हुई, तो मैं पूरे यूरोप में इन सब को लेकर बाय ट्रेन या बाय रोड ट्रेवल करूंगा। तो लामहाला आपके पास जरूर रुकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे पास कहीं भी आ जाएं, फ्रांस आ जाएं, जर्मनी आ जाएं, इटली आ जाएं, स्पेन आ जाएं, स्विट्जरलैंड की तो लोकेशन ही ऐसी है कि मिडल में और ये सारे कंट्रीज हम तो हम टच करेंगे। हम उन मेडोज को जरूर देखेंगे जिन्हें हमने हमेशा पोस्टर्स में और फिल्मों में देखा है, वो हसीन मंजर जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बहन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू उमर साहब। आप ही रह गए हैं बाकी, यानी कि वो कामरान खान साहब और वो जो एक दिन जियो के साथ वाले, वो भी वो सारे मतलब हर साल आते हैं। मैं कहा आप नहीं आए अभी तक सर। वो तो वो बड़े लोग हैं सर, हम तो मजदूर हैं, जब मौका मिला तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। एक लास्ट थिंग फॉर योर टेक्निकल टीम, आई थिंक इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया ना ये मीटिंग, एज अ मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, इसको एज अ वेबिनार अगर ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो फिर स्पीकर को आप माइक खुद एक्टिव करते हैं तो जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल, आप आपने सुना होगा कि मैंने पहली बात ये की थी कि नेक्स्ट टाइम हम इसका बिल्कुल वो सिलसिला चेंज कर देंगे, इट वुड बी अ वेबिनार इंशाल्लाह ताला। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, जजाकल्ला, सलाम टू योर फैमिली, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। लेकिन वेबिनार तो चले बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होगा, पर जो इन्होंने शुगर लगाया ना आज, उसकी वजह से वैसा नहीं होगा। नहीं नहीं क्यों नहीं, वेबिनार में भी उसी तरह मजा आएगा। वी मैनेज ना, वो तो खुद ही पॉपअप होके आगे आ जाते तो कुछ थे। अल्लाह हमें हंसने के मौके देता रहे। जी अब हमारे साथ फाइनली गोल्डन गेट ब्रिज देखने के बाद अब यूएसए हम जा रहे हैं, रिजवान चौधरी साहब है। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी बिस्मिल्लाह, फ्रॉम वाक एंड। जी जी, मेरे लिए लाहौर आना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि अगली, सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपने दाए इमरान खान ईद के शो में पता नहीं किस तरह लेके देख ले। आई एम हैप्पी कि आपने इस बात पे गौर किया है कि ये नामुमकिन था, आपने मुमकिन कर दिखाया। इमरान खान कभी किसी टॉक शो में और वो भी किसी इंफोटेनमेंट के टॉक शो में पिछले 15 साल से नहीं गए, 10 साल तो कम से कम। लास्ट टाइम आप ही के शो में आए थे, खबरनाक में भी आए। जी खबरनाक नहीं, एक दफा वो गालबन मुजाकरात या हस्बे हाल में गए थे। नहीं मुजाकरात, हस्बे हाल में गए थे। नहीं खबरनाक में आए। खबरनाक में तो दो भैया, दो दफा खबरनाक में, दो दफा आए हुए हैं। वैसे उन्होंने पहला जो शो किया वो खबरनाक ही था, उसके पहला शो उन्होंने खबरनाक किया था। और मैंने खान साहब के सामने जिक्र किया कि हमने खान साहब के साथ इतनी छेड़खानियां की कि अब वो नाराज होकर चले जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने बाद खुद उन्होंने कहा किस दिन प्रोग्राम करना है, मैं लाहौर आ रहा हूं तो लेट्स मीट अगेन। तो मैंने फिर उन्हें इनवाइट कर लिया, बहुत ही मजे के प्रोग्राम्स थे वो भी।
बिल्कुल। एक और बात मैं बताना चाहूंगा सब लोगों को कि पुराने मैं शोज देख रहा हूँ ना, तो मेरा आपसे एक सीरियस क्वेश्चन, जो हालांकि मैं इतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं, लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पिछले 10 साल पुराना शो है वो, तो उसमें भी यही सवाल होता था कि पाकिस्तान इस टाइम रॉक बॉटम पे है, ये जो है ना इससे ज्यादा महंगाई नहीं हो सकती। रमजान के शोज थे वो जो मैं आजकल देख रहा हूँ, तो उसमें भी यही सवाल होता था कि ये जो महंगाई है ये बहुत ज्यादा है, उस वक्त भी रॉक बॉटम हिट कर रहे थे। ठीक ठीक ठीक, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, जवाब दे दूं मैं। जी जी प्लीज। उस वक्त ये था कि पाकिस्तान कंपटीशन में था, रेस में था, रन में मौजूद था कि पाकिस्तान अब रॉक बॉटम हिट करने वाला है, अगर इसने हिट कर दिया तो ये रेस से निकल जाएगा, तरक्की पजीर तरक्की पसंद ममालिक की दौड़ में से बाहर हो जाएगा। उस वक्त ये रेस में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, रेस के अंदर रहने के लिए। तो रेस तो भैया पिछले एक साल से खत्म हो चुकी है, अब पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, तो सर्वाइवल में रॉक बॉटम हिट किया है, अब देखें इसके बाद क्या होता है, या तख्त होगा या तख्ता होगा। थैंक यू। आप तो काइंडली थोड़ा सा गाइड कर देंगे, अगर पाकिस्तान हम लोग विजिट करते हैं तो आपके प्रोग्राम में लाइव किस तरह से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, एंड सेकंडली जो आपका यूके का टूर है काइंडली अगर वो भी डिटेल थोड़ा। सर लंदन, लंदन है जी, सबसे पहले इट इज लंदन, देन इट इज ब्रैडफोर्ड, देन बर्मिंगम, फिर मैनचेस्टर एंड ग्लासगो, ये 5 शोज हैं जी। और आपने जो पहले पूछा है भाईजान, आपने जो पहले पहले जो पूछा है, जब आप तशरीफ लाएं पाकिस्तान तो कोशिश कीजिएगा इसी प्लेटफॉर्म पे, ये पेट्रंस के प्लेटफॉर्म से ही रابطہ कर लीजिएगा। आप कसौटी में जरूर आइएगा, क्योंकि खबरहार खबरनाक ये जो भी है ना, इस फॉर्मेट में गुंजाइश नहीं है कि गेस्ट को बिठाया जाए। एज अ विजिटर्स तो 100 दफा आए, वो तो आप रोजाना आए विजिटर के तौर पे, ऑडियंस के तौर पे, लेकिन व्हेन यू विल अटेंड OMC ओपन माइक कैफे, देन यू विल बी वन ऑफ द चैलेंजर्स। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अब्दुल हमीद हमीदी है। अच्छा जी, अच्छा। और आई लव यू आफताब साहब। थैंक यू सर, सेम हियर, आई लव यू ऑल। सर आप ये है कहां से बात कर रहे हैं? 33 इयर्स हो गए मुझे टोरंटो में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टोरंटो, मैं टोरंटो कनाडा से। ये बैकड्रॉप टोरंटो का है जी जी, ये 2016 में यहाँ आइस स्टॉर्म आया था, तो उसकी तस्वीर मेरे पास तस्वीरें हैं। नासर शाह के घर में जाइए, टोरंटो में आइस स्टॉर्म आया था उसकी तस्वीर, ये उसी की तस्वीर। जी 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 जी, पता चलता है, पहचानते हैं। अच्छा, तो और हमीदी साहब, ये है कि मुझे 33 इयर्स हो गए यहाँ पे। वाह वाह जी। और एक एक बात मैं ये अर्ज करना चाहूँ, मुझे डर भी लगता है कि उकाड़ा से आपका कोई अच्छा वो नहीं है, बाज़ुकात आप कहते हैं लोग उकाड़ा वाले तंग करते हैं, तो मैं भी उकाड़ा से हूँ। नहीं सर, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो खुद उकाड़ा के हैं जी। मैं खुद हाथ लोग दबा देते हैं ना, आपका अंगूठी भी चुप जाती है, तो हाथ दबा देते हैं वो अंगूठी वाला बात कैसे? हाँ, वो चंद दिन पहले उन्होंने मेरा हाथ दबाया और बाकायदा मेरी अंगूठी जो है ना वो बहुत उसने ट्रबल किया था। मेरी अंगूठी असल में टूटी हुई है बीच में, बल्कि मैं आपका मोहल्लेदार हूँ। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। 30 लाख उकाड़ा में, अच्छा। गली नंबर 6 में फ्री अस्पताल के सामने गली में हमारा घर था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आखिरी बार मैं 95 में गया हूँ पाकिस्तान, उसके बाद मैं नहीं गया। लॉन्ग टाइम, 95 था, 27 दिनों मंजूर भट्टू की हुकूमत थी जी जी। और जब आपका शो यहाँ पे टोरंटो में हुआ है अभी दिसंबर में, तो उसमें मैं हाजिर हुआ था। अच्छा जी। और मेरा एक रिसाला है, मैगजीन मैंने आपको वो दिया भी था, ये देखें, मैंने आपके जो उसकी आपके नाम से हमीदी से मैंने पहचाना था कि अब्दुल हमीद हमीदी, इससे मेरे ज़हन में इट रैंग अ बेल। अगर वक्त हो तो, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, मैं नात के चंद अशआर पेश कर दूं, मैं तरन्नम से पढ़ता हूँ, तो इसलिए मैं तरन्नम से 2 अशआर पढ़ूंगा। अता कीजिए। हृदय में मौत बर है, फकत नाम आपका, अमन सुकून के वास्ते पैगाम आपका, तखलीक के कायनात की
वजहे बने हैं आदम से पहले लिखा गया नाम आपका हृदय में मौत भर है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ पर एक पेट्रन है जिनसे अभी तक हमारी बात नहीं हो सकी, तो मैं उनका नाम नहीं जानती, बीएड वाले हैं, पीकैप। मैं कि बफलो से, मेरा नाम हमजा खोकर है, मेरी अक्सर बबू राणा भाई से बात होती रहती है इंस्टाग्राम पे। एक्चुअली मैं ना कसौटी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इधर ओएमसीसी यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान आया यहाँ पे इंशाल्लाह अली हसन से भी मेरी बात हो रही थी, अगर जूम पे मई फर्स्ट पे उन्होंने कहा है। हाँ जूम पे आ जाए, जूम पे बेहतरीन बेहतरीन। बल्कि एंड आल्सो आई एम अ बिग फैन बिकॉज़ आई एम अ हिस्ट्री मेजर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो। तो मैं ना शुरू से यूएस हिस्ट्री और बाकी ऐसे वो पढ़ता रहता था, लेकिन पाकिस्तान हिस्ट्री ना वो आपके शो से जितना मैंने सीखा है, जैसे वो एक भाई कह रहे थे बचपन से, मैं भी 96 से मेरी पैदाइश है, 27 नाउ, लेकिन जब तक शो हुआ है मैं तब बच्चा ही था, तो मैं खबर ना के दिनों से देख रहा हूँ। वाह जी, थैंक्स अ लॉट फॉर, मैं अपना एक उस्ताद समझता हूँ, सो थैंक्स अ लॉट फॉर, यू नो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इट इज एन ऑनर टू हैव यू ऑल ऑन द फैमिली, वी आर वन फैमिली। ये जो पेट्रियन है इसने हमें एक बड़ा खूबसूरत फोरम अता किया है कि हम एक फैमिली की तरह, तो आप जरूर कीजिएगा अगर अली हसनैन के साथ आपका रब्ता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी फैमिली में डेथ हो गई है, तो इस वजह से वो आज मौजूद नहीं है, वरना आज ही मैं आपके सामने कमिटमेंट उससे ले लेता। चले, थैंक यू वेरी मच पेट्रंस, थैंक यू वेरी मच, जीते रहिए, खुश रहिए, बहुत शुक्रिया।